जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन की कलाई भी खुलती जा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि CAA और NRC के नाम पर यह विरोध कैसे कट्टरपंथी और उनके नापाक मंसूबों को बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में शाहीन बाग के प्रदर्शनों के मुख्य नेता माने जाने वाले शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शाहीन बाग में जुटे प्रदर्शनकारियों का इरादा लोकतंत्र की रक्षा करने का तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपको जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि इस देश विरोधी का लिंक द वायर से भी है। दरअसल शर्जील इमाम द वायर के लिए कई लेख लिख चुका है। ये वही व्यक्ति है जिसकी शाहीन बाग में दिए गए भाषण से उसकी भारत विरोधी सोच उजागर हुई है। ऐसे देशद्रोही तत्वों को द वायर किस तरह से बढ़ावा देता है, ये एक बार फिर से सामने आ गया है। शर्जील इमाम को द वायर ने मंच प्रदान किया और वहां इसने कई भड़काऊ लेख लिखे हैं। बता दें कि शर्जील इमाम तब से चर्चा में है जब से उसने भारत के टुकड़े करने की बात कही है। उसने अपने एक भाषण में कहा था कि असम को भारत से काटना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक असम और भारत अलग नहीं होते तब तक वो हमारी नहीं सुनेंगे। असम में मुसलमानों की हालत तो आप जानते ही हैं। CAA और NRC वहां पर लागू हो चुका है। लोगों को डिटेंशन कैंप्स में फेंका गया है, नरसंहार हो रहा है और फिर 6 से 8 महीने में हम पाएंगे कि बंगाली चाहे हिंदू हो या मुसलमान सब मारे जाएंगे। यदि हमें असम की रक्षा करनी है तो हमें पूर्वोत्तर का गेटवे बंद करना होगा। इमाम ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक का उल्लेख भी किया जो भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से काफी अहम है। शर्जील ने दावा किया ये चिकन्स नेक मुसलमानों का है क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग मुसलमान है। अब ऐसे देश विरोधी लोगों को मंच प्रदान करने के लिए द वायर की खूब आलोचना हो रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है, द वायर पहले भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आलोचना का शिकार हो चुका है, परंतु उसके बाद भी इस मीडिया पोर्टल ने शर्जील इमाम के 4 भड़काऊ लेख प्रकाशित किए हैं, जिसमें एक तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित हुआ था। 2018 में मई माह में शर्जील इमाम ने एक बेहद आपत्तिजनक लेख लिखा था जिसमें उसने भारत के विभाजन के प्रमुख दोषियों में से एक मोहम्मद अली जिन्ना को माफ करने की बात कही थी। इमाम ने इस लेख में लिखा था कि विभाजन में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय मुसलमानों का हुआ, पर जिन्ना या मुस्लिम लीग पर दोष डालना इतिहास के अनुसार अच्छा नहीं होगा। पूरे लेख में इमाम जिन्ना का महिमामंडन करते हुए दिखाई दिया, ये जानते हुए भी कि जिन्ना के कारण ही विश्व के सबसे खौफनाक नरसंहार में से एक 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में हुआ था, जिसमें लाखों निर्दोष हिंदू, सिख और अन्य समुदाय के लोगों को निर्ममता से मार दिया गया था। जिस समय AMU में जिन्ना के तस्वीर को महिमामंडित करने के पीछे बहुत बवाल हुआ था, तब भी द वायर ने शर्जील इमाम जैसे देशद्रोही को अपने विचार रखने के लिए एक मंच प्रदान किया था। आज 6 राज्यों की पुलिस, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, UP एवं बिहार की पुलिस ने शर्जील के भाषण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल शर्जील फरार चल रहा है और उसके भड़काऊ बयानों के बाद भी द वायर उसके समर्थन में है। हाल ही में लिखे एक लेख में द वायर के एक अन्य पत्रकार ने दावा किया है कि कैसे शर्जील का भाषण देशद्रोही नहीं हो सकता। द वायर भले ही शर्जील इमाम के अपराधों को मानने से मना करे, परंतु ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि वो ऐसे देशद्रोहियों को मंच देने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते, जिसके कारण शर्जील जैसे विश्वासघातियों को बढ़ावा मिलता रहता है।